हमारी इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारी ऐसी मॉडल वर्ब हैं, ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को इजी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट मॉडल वर्ब हैं और जो इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब हैं उन सबको कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नीड टू बी। अच्छा, नीड का मतलब आप बताइए क्या होता है? नीड का मतलब होता है जरूरत या फिर किसी चीज की जब आवश्यकता होती है तो तब हम नीड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो नीड टू बी का मतलब हो जाएगा कि किसी काम को किए जाने की जरूरत है, कोई काम किया जाना है, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जाना है। लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी है और वो क्या है कि ये जो सेंटेंस होगा ये पैसिव वॉइस में होगा। कौन से वॉइस में? पैसिव वॉइस में। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है। अच्छा, यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको नीड या नीड्स, इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। ये डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपको टू बी का इस्तेमाल करना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है और फिर ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड्स इनको लगाना है। ये तो आप जानते ही हैं कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है कपड़े धोए जाने हैं, मान लीजिए कि आप बाहर से आए और आपके जो कपड़े हैं ना वो मतलब गंदे हो गए हैं ना। अब आप बोल रहे हैं कि भाई ये वाले कपड़े भी धोए जाने हैं, यानी कि इन कपड़ों को धोए जाने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि ये कपड़े किसके द्वारा धोए जाने हैं, इन कपड़ों को धोने का जो काम करेगा वो कौन है, ऐसा यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो जब वाक्य में या फिर किसी भी सेंटेंस में काम को करने वाले पर फोकस ना किया जाए या फिर उसके बारे में ना बताया जाए, बल्कि उस काम का असर जिस पर पड़ेगा यानी कि ऑब्जेक्ट, उसको बताया जाए, तब आपको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना है। अब यहां पर कपड़ों पर फोकस है ना कि कपड़ों को धोने वाले पर, भाई कपड़े धोए जाने हैं, अब कौन धोएगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट पर फोकस हो ना कि सब्जेक्ट पर। अच्छा, जब सब्जेक्ट पर फोकस होता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, है ना। लेकिन आज हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर ही फोकस करते हैं। तो कपड़े धोए जाने हैं तो कैसे बोलेंगे? क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड, क्लॉथ्स नीड टू बी वॉश्ड। अच्छा, क्लॉथ्स यहां पर है ऑब्जेक्ट और नीड टू बी आपका स्ट्रक्चर से आ गया है और वॉश की थर्ड फॉर्म आ गई है वॉश्ड, ठीक है, अदर वर्ड्स इसमें है नहीं वरना लास्ट में हम लगा देते। उसे भेजा जाना है, उसे भेजा जाना है। अच्छा, इसे तो भेजा जाना है, इस पर तो भेजने का काम किया जाना है, लेकिन भेजेगा कौन ये नहीं बताया गया, इसीलिए तो ये सेंटेंस पैसिव में है। उसे भेजा जाना है, ये खुद कोई काम नहीं करेगा, इस पर काम किया गया है किसी के द्वारा इसको भेजने का, तो बोलेंगे ही नीड्स टू बी सेंट। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहां पर मतलब कभी तो नीड है कभी नीड्स है, ऐसा क्यों आया है? तो देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको नीड्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि ही सी इट के साथ आपको जो आपकी नीड है इसमें एस सी एस वाला जो नीड्स है इसको लगाना है। ही नीड्स टू बी सेंट, सेंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेंड, ठीक है। कमरा साफ किया जाना है, कमरा क्या किया जाना है? साफ किया जाना है, तो कैसे बोलेंगे? रूम नीड्स टू बी क्लीन। अच्छा, कमरे को किसके द्वारा साफ किया जाना है ये नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बोल दिया कि भाई कमरे को साफ किया जाना है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो कोई चीज की जानी है या फिर कोई काम किया जाना है और उस काम को किए जाने की जरूरत है, तब आपको नीड टू बी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और देखिए, हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको कई कोर्सेज मिलेंगे, बेसिक वाला भी मिलेगा, एडवांस वाला भी मिलेगा, और यदि आप बेसिक टू एडवांस पूरा करना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, ए टू जेड वीडियो लेक्चर्स होंगे, और जो बिगनर्स होते हैं ना जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं, तो बेस्ट फॉर बिगनर्स। और यदि आप इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर इसमें कवर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आपको कोई इशू आता है तो इस वाले नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। आप ऑडियो या टेक्स्ट किसी भी फॉर्मेट में मैसेज कर सकते हैं, कॉल करने की कभी भी कोशिश ना करें क्योंकि इस पर कॉल लगती नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं कॉल कर देते हैं मैसेज भी नहीं लिखते, तो आपको मैसेज में अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है। यदि आपको कोई इशू आता है तो आपको जरूर हेल्प की जाएगी। और यदि आप हमारी ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप उस ऐप में जाकर भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा कुड हैव बिन।
कुड हैव बीन का मतलब होता है कि काम को किया जा सकता था, किसी काम को किया जा सकता था। कुड हैव बीन का मतलब है पास्ट में किसी काम को किया जा सकता था। इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर लिखना है कुड हैव बीन, और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे कि उसे भेजा जा सकता था, उसे क्या कर किया जा सकता था, भेजा जा सकता था। ठीक है, तो बोलेंगे ही कुड हैव बीन सेंट, ही कुड हैव बीन सेंट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या है, ये पैसिव है एक्टिव है क्या है? तो ये पैसिव है। फिर सर बोल रहे होंगे सर यहाँ पर आपने सब्जेक्ट क्यों लिखा? यहाँ पर ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कुछ बच्चे इसको सब्जेक्ट मानकर ही मतलब पढ़ते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा सेंटेंस को देखकर कि ये सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा, है ना? अभी मैंने आपको पीछे सिखाया था ना, पीछे जब हमने उसके बारे में पढ़ा था, जो सबसे पहले बताइए क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले नीड टू बी, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि आप पैसिव को कैसे पहचानते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। उसे भेजा जा सकता था, तो कैसे बोलेंगे ही कुड हैव बीन सेंट, ही कुड हैव बीन सेंट। किसके द्वारा भेजा जा सकता था ये नहीं बताया गया है, हमें पूछा जा सकता था। अच्छा, किसके द्वारा पूछा जा सकता था? हम पर तो पूछने का काम किया जाता, लेकिन पूछा किसके द्वारा जा सकता था ये नहीं बताया गया। कैसे बोलेंगे वी कुड हैव बीन आस्क्ड, वी कुड हैव बीन आस्क्ड, हमें पूछा जा सकता था। तो कोई काम किया जा सकता था, कुड हैव बीन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हैड टू, हैड टू का मतलब होता है कि कोई काम आपको करना पड़ा पास्ट में, या फिर आपको कोई काम पास्ट में करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। इन दोनों ही सेंसेस में आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हैड टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए, मुझे करना पड़ा तो मैं बोल सकता हूं आई हैड टू डू, आई हैड टू डू। अब आप कोई भी सेंटेंस हो जो आपको करना पड़ा, आपको जाना पड़ा, आपको खाना पड़ा, आपको सोना पड़ा, तो आपको लास्ट में इस डू को हटाकर जो भी आपको करना पड़ा उसकी इंग्लिश लिख सकते हैं। जैसे मुझे सोना पड़ा आई हैड टू स्लीप, मुझे खाना पड़ा आई हैड टू ईट, मुझे भागना पड़ा आई हैड टू रन, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, और जैसे उसे खेलना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था, तो बोल सकते हैं ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। तो इस तरह से आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। नेक्स्ट है आपका कुड बी, कुड बी का क्या मतलब होता है? भाई कुड बी का मतलब दो होते हैं, एक तो देखिए आप कुड बी को प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं, और एक आप इसको पास्ट में, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको कुड भी लिखना है, और आपके जो अदर वर्ड्स होते हैं ना सेंटेंस में वो आपके आ जाएंगे। जैसे कि यह खतरनाक हो सकता है, तो बोल सकते हैं इट कुड बी रिस्की, इट कुड बी रिस्की, मतलब प्रेजेंट की बात की गई है कि भाई प्रेजेंट में खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए कि आप अपने किसी दोस्त के साथ या फिर किसी बच्चे के साथ, किसी के भी साथ आप रास्ते में जा रहे हैं, और वहां पर एक बिजली का तार टूटा हुआ पड़ा है। ठीक है, अब वो बच्चा जल्दी से जाता है भाग के, और उस बिजली के तार को पकड़ने की कोशिश करता है, जो बिजली का वायर था उसको पकड़ने की कोशिश करता है। अब आप क्या बोलते हैं, उसे मत पकड़ो, हो सकता है कि इसमें करंट हो रहे, रिस्क हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। तो आपको पक्का नहीं पता लेकिन आपको ऐसा लगता है, तब आप कुड बी का इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है इट कुड बी रिस्की, वह अभी वहां हो सकता है। तो बोल सकते हैं ही कुड बी देयर, ही कुड बी देयर राइट नाउ। ठीक है, वह अभी वहां हो सकता है। नेक्स्ट हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल, तो हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल में देखिए, यहां पर जो ये काम होगा ना, ये ऐसा काम होगा जो जरूरी है, जो कंपल्सन वाला कार्य है ना, जो आपको करना जरूरी है या फिर किसी के द्वारा जरूरी किया जाना है। तो सी ओ एम पी को मतलब मैंने कंपल्सन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, तो कोई काम किया जाना है। अब ये क्या होगा, पैसिव में होगा, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव आएगा, फिर टू बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। जैसे कि उसे देखा जाना है, तो बोल सकते हैं ही हैज टू बी सीन, ही हैज टू बी सीन। अच्छा, उसे किसके द्वारा देखा जाना है ये नहीं बताया गया, इस पर तो देखने का काम किया जाएगा, किसके द्वारा ये नहीं बताया गया। इसे खाया जाना है, तो बोल सकते हैं इट हैज टू बी ईटन, इट हैज टू बी ईटन, इसको खाया जाना है, इनको बेचा जाना है। दीज हैव टू बी सोल्ड, दीज हैव टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना है।
तो इस तरह से आप हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम किया जाना है, इस वाले सेंस में, ठीक है। और ये जो काम है ना, ये कंपल्सन वाला काम है। अब मान लीजिए इनको बेचा जाना है, कोई आपके घर में कबाड़ा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसने बेफालतू का घर में स्थान घेरा हुआ है, तब बोलते हैं भाई इनको भी बेचा जाना है, बहुत दिन से ही पड़े हैं, है ना। तो मतलब वो काम जरूरी है। तो कोई काम यदि जरूरी है तब आप हैज हैव के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डू डज। डू डज, डू डज का मतलब क्या होता है? डू डज का मतलब होता है कि कोई कुछ नहीं करता, करती और करते, मतलब कोई किसी काम को नहीं करता है या फिर किसी काम को करता है तो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाकर पूछना है। यानी कि डू डज का इस्तेमाल हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। और डू डज है ना जो, ये ज्यादातर प्रेजेंट के इंडेफिनेट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, फिर लिखना है डू डज, और उसके बाद लगाना है नॉट, ठीक है। और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देना है लगाकर। देखिए कैसे, वह नहीं जाता है, मतलब कोई किसी काम को नहीं करता है, तो बोल सकते हैं ही डज नॉट गो। ही डज नॉट गो, आप नहीं देखते हैं, तो बोल सकते हैं यू डू नॉट वॉच। यू डू नॉट वॉच, क्या वे नहीं जाते, तो बोलेंगे डू दे नॉट गो। डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते। तो इस तरह से डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई किसी काम को करता है, नहीं करता है, नहीं करते हैं, नहीं करती है। या फिर यदि आपको क्वेश्चन मार्क की तरह पूछना है तो लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, क्या वे नहीं जाते, क्या वे नहीं खाते। कई बार पूछते हैं ना भाई, वे नहीं जाते क्या, वे नहीं खाते क्या, है ना। तो डू दे नॉट गो, डू दे नॉट मतलब ईट, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट है वाजवर के साथ टू बी का इस्तेमाल। देखिए वाजवर का इस्तेमाल वैसे तो पास्ट में करते हैं और आज भी पास्ट में ही करेंगे, लेकिन जब इनके साथ टू बी का इस्तेमाल होता है ना तो इनका मतलब हो जाता है कि सेंटेंस पैसिव में है। किसमें है? पैसिव में है। कोई काम किया जाना था, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, वाजिबल लिखना है, टू बी लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और फिर अदर वर्ड्स लिखने हैं। तुम्हें पकड़े जाना था, तो बोल सकते हैं यू वर टू बी कॉट। यू वर टू बी कॉट, तुम्हें पकड़ा जाना था। अब मान लीजिए कि भाई तुम चोरी करके भाग गए और आपका कोई दुश्मन है और वो बोल रहा है तुम्हें ना पकड़ा जाना चाहिए था, तब तुम्हें पता चलता कि कैसे चोरी करते हैं। उसे भेजा जाना था, तो बोल सकते हैं ही वाज टू बी सेंट। ही वाज टू बी सेंट, उसे भेजा जाना था। हमें पूछा जाना था, तो बोल सकते हैं वी वर टू बी आस्क्ड। वी वर टू बी आस्क्ड, हमें पूछा जाना था। इस तरह से आप वाजवर के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम किया जाना था। नेक्स्ट है कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था, ठीक है। तो वहां पर आप कुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका वही सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको कुड हैव टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। मुझे जाना पड़ सकता था, तो मैं बोल सकता हूं आई कुड हैव टू गो। आई कुड हैव टू गो, उसे स्कूल आना पड़ सकता था। He could have to come to school. He could have to come to school. उसे स्कूल आना पड़ सकता था। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा has have के साथ been का इस्तेमाल। देखिए has been और have been, इनका मतलब होता है कि कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। और ये जो काम है ना, ये पैसिव में रहेगा। किस में रहेगा? पैसिव में रहेगा। तो जब पैसिव में रहेगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैज हैव के साथ बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, इसलिए हैज हैव का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, हैज और हैव में कंफ्यूजन यदि आपको हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जो हैज है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। और उसके बाद जो बचा कुचा है सबके साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि राम को भेजा गया है, तो बोल सकते हैं राम हैज बीन सेंट। राम हैज बीन सेंट, राम को भेजा गया है। राम को भेजा गया है, राम ने किसी को नहीं भेजा, राम को, राम पर काम किया गया है, तो सेंटेंस पैसिव में है। मुझे घर बुलाया गया है, अच्छा मुझे घर बुलाया तो गया है, लेकिन किसके द्वारा बुलाया गया भैया, ये तो बता दो, है ना। तो कैसे बोलेंगे इसकी इंग्लिश? आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है। तो इस तरह से हैज हैव के साथ बिन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई काम किया जा चुका है या फिर कोई काम हो गया है। नेक्स्ट है हैड के साथ टू बी का इस्तेमाल। अच्छा, हैड टू बी आपने कभी सुना तो होगा, यदि नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए आज, कि हैड का इस्तेमाल तो हम करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस में,
और हेड का इस्तेमाल जब पास्ट में होता है तो यहां पर भी पास्ट में ही होगा, लेकिन इसमें जब टू भी लग जाता है ना तो ये पैसिव की तरह काम करेगा और यहां पर कंपलसरी वाला कार्य किया जाएगा, जो कार्य करना जरूरी था, कोई काम किया जाना था पास्ट में और वो जरूरी काम था, तब आप हेड के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैसिव में है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हैड टू बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। देखिए, उसे पकड़ा जाना था तो बोल सकते हैं ही हैड टू बी कॉट, ही हैड टू बी कॉट। इसे खाया जाना था तो बोल सकते हैं इट हैड टू बी ईटन, इट हैड टू बी ईटन। इसे खाया जाना था, इनको बेचा जाना था तो बोल सकते हैं दीज हैड टू बी सोल्ड, दीज हैड टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना था। तो इस तरह से कोई काम किया जाना था, वहां पर आप हेड के साथ टू बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हेड टू बी का इस्तेमाल कैसे करना है। नेक्स्ट है शुड बी, शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए या रहा होना चाहिए, मतलब किसी को कहीं पर होना चाहिए या किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, दोनों ही सेंसेज में आप शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि भाई आपका कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड बी आएगा और फिर आपके अदर वर्ड्स आएंगे। उसे घर पर होना चाहिए तो बोल सकते हैं ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए तो बोल सकते हैं आई शुड बी प्लेइंग, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए तो बोलेंगे शी शुड बी स्टडिंग, सी शुड बी स्टडिंग, तो उसे पढ़ रहा होना चाहिए। तो इस तरह से आप शुड बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कहीं पर होना चाहिए या किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। नेक्स्ट है शुड हैव टू, शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए, किसी को कोई काम करना ही चाहिए। ठीक है, वहां पर आप शुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर शुड हैव टू लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। उसे जाना ही चाहिए तो बोल सकते हैं ही शुड हैव टू गो, ही शुड हैव टू गो। तुम्हें खेलना ही चाहिए तो बोल सकते हैं यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। उन्हें देखना ही चाहिए तो बोल सकते हैं दे शुड हैव टू वॉच, दे शुड हैव टू वॉच, उन्हें देखना ही चाहिए। तो किसी को कुछ करना ही चाहिए, वहां पर आप शुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं शुड, यदि हम शुड को सिंपल देखें तो इसका मतलब होता है करना चाहिए, किसी को कुछ करना चाहिए। अच्छा, शुड का इस्तेमाल हम किसी को कोई राय देने के लिए, किसी को कोई सलाह देने के लिए या किसी से कोई सलाह या राय लेने के लिए, दोनों में कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि तुम्हें करना चाहिए तो बोल सकते हैं यू शुड डू, यू शुड डू, हमें पढ़ना चाहिए तो बोल सकते हैं वी शुड स्टडी, वी शुड स्टडी। उसे देखना चाहिए तो बोल सकते हैं ही शुड वॉच, ही शुड वॉच, उसे देखना चाहिए। तो इस तरह से आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को कोई काम करना चाहिए। नेक्स्ट है कैन हैव टू, कैन हैव टू का मतलब होता है कि काम करना पड़ सकता है, किसी को कोई काम करना पड़ सकता है, वहां पर आप कैन हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कैन हैव टू आएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि उसे जाना पड़ सकता है तो बोल सकते हैं ही कैन हैव टू गो, ही कैन हैव टू गो। तुम्हें पढ़ना पड़ सकता है तो बोल सकते हैं यू कैन हैव टू स्टडी, यू कैन हैव टू स्टडी। उन्हें सोचना पड़ सकता है तो बोल सकते हैं दे कैन हैव टू थिंक, दे कैन हैव टू थिंक। उन्हें क्या करना पड़ सकता है, सोचना पड़ सकता है, तो कैन हैव टू का भी इस्तेमाल आ गया। नेक्स्ट है कुड, कुड का मतलब होता है कि किसी को कुछ करना, मतलब कुड का मतलब है कि कोई किसी काम को पास्ट में कर सकता था, कोई किसी काम को पास्ट में कर सकता था। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर कुड लिखना है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। मैं वह कर सकता था तो मैं बोल सकता हूं आई कुड डू दैट, आई कुड डू दैट, वो पढ़ सकता था तो बोल सकते हैं ही कुड स्टडी, ही कुड स्टडी। मैं जा सकता था आई कुड गो, आई कुड गो। तो चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस देता हूं, उन्हें जाना पड़ा, उन्हें जाना पड़ा, कमेंट करके बताना है। और हमारा जो कोर्स है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।